नमस्कार साथियों साथियों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जातीय जनगणना का प्रपत्र कैसे भरा जाएगा। बिहार में जातीय जनगणना का प्रशिक्षण दौर चालू हो चुका है, जिसमें आपको बहुत सी बातें बताई जा रही है, लेकिन मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ यही मुख्य है। इसे देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको जनगणना में कोई परेशानी होगी। सबसे पहले आपको करना है कि मकान का नवीनीकरण कर लेना है, और भवन नवीनीकरण मकान नवीनीकरण करने के बाद आपको इसी प्रपत्र में भरना है। तो यदि आप प्रपत्र भरना सीख जाते हैं तो आपको मकान का नवीनीकरण करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस प्रपत्र को भरना सीख लीजिए। आपके सामने ये प्रपत्र है, यही प्रपत्र आपको मिलेगा जिसे आपको भरना होगा। आप भौतिक सत्यापन करेंगे और अपने वार्ड का सर्वे करने के बाद इसी प्रपत्र को जनगणना में आपको भरना होगा, और यही प्रपत्र भर करके आपको जमा करना होगा। कोई विशेष दूसरा काम नहीं है, एक छोटा सा नजरी नक्शा बनाना है, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। उस वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा करके आप उस वीडियो को भी देख लेंगे, और इस प्रपत्र का भी लिंक दे दूंगा, इसे भी डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर लेंगे कि कैसे आपको भरना है। तो चलिए बिना समय का आज हम लोग इस प्रपत्र को भरना सीख लेते हैं। यह बहुत ही आसान प्रपत्र है, यही आपको मिलेगा, तो सीख लेते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जनगणना संबंधित एक एक बातों को मैं बताऊँगा, और वही बात बताऊँगा जो ऑथेंटिक है, जो सही है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो परिभ्रमण कर रहे हैं, आप ज़्यादा वीडियो देखेंगे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे, लेकिन मैं अपने चैनल पर वही बात बताऊंगा जो उचित है, जो सही है, जो आपको करना है। कोई एक्स्ट्रा बात यहाँ से नहीं आपको बताया जाएगा। तो एक नक्शा बनाना है और दूसरा ये प्रपत्र भरना है, दूसरा और कोई काम नहीं करना है। अभी आपको केवल मकान का नवीनीकरण करके इस प्रपत्र को भर करके जमा कर देना है। तो चलिए हम लोग प्रपत्र भरना सीख लेते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यह भाग टू है, भाग टू है, मकान सूची विवरण आपको भरना है इसमें, और इसी को भरना हम लोग सीखेंगे। काफ़ी आसान तरीका से मैं बताऊंगा, इसे देखने के बाद आप भवन का नवीनीकरण करना भी सीख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग भरते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये प्रपत्र लेना है, आप नजरी नक्शा बना लेंगे, बनाने के बाद इसे भरेंगे या साथ में इसको लेकर चलेंगे और भरते जाएंगे, ठीक है। जब आप क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, इसको भरते जाएंगे। तो आप जब भरने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना लोकेशन जहां आप सर्वे कर रहे हैं लोकेशन का कोड आपको डालना है, इसमें कोड भरना है। सबसे पहले आपको जिला का कोड डालना होगा, जिस जिला में आप सर्वे कर रहे हैं, हो सकता है सारण जिला में आप सर्वे कर रहे हों या पटना जिला में सर्वे कर रहा हूँ, तो जिला का अपना कोड होगा, प्रत्येक जिला का कोड आपको दिया जाएगा, ठीक है। मानते हैं मेरे जिला कोड 5 है, तो हम क्या करेंगे 05 यहाँ अंकित करेंगे, ठीक है। तो कोड भरने के बाद आप प्रखंड या नगर निकाय का कोड यहाँ भरेंगे, प्रखंड या नगर निकाय का कोड, तो 3 अंकों में है, हो सकता है नगर निकाय कोड अगर 2 है तो यहाँ 2 भरेंगे और इसमें 00 डाल देंगे, ठीक है। फिर ग्राम या नगर का कोड आपको भरना होगा, तो इसका जो भी कोड होगा लास्ट में भरेंगे, अगर इसका 6 कोड है तो हमें इसमें क्या करेंगे 00 डाल देंगे। वार्ड संख्या अगर 7 है तो आप 7 करके और यहाँ 0 डाल देंगे, ठीक है। गन्ना ब्लॉक संख्या, आपको ब्लॉक अभी ही अलर्ट हो गया होगा, जैसे मेरा 27A है तो 27 ले करके को हम इसमें डाल देंगे, 27 को मेरा है, ठीक है। फिर उप ब्लॉक संख्या, उप ब्लॉक संख्या जब क्या होगा, आपका गन्ना ब्लॉक बहुत बड़ा होगा तो उसमें उप ब्लॉक भी बनाया जाएगा, हो सकता है उप ब्लॉक संख्या 2 हो तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 डाल देंगे। ये सब पहले आप कोड भरेंगे, ये सारे कोड आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। भरने के बाद आप क्रम संख्या में आएंगे, क्रम संख्या में क्या करना है, क्रम से चलेगा, इसमें कुछ नहीं करना है, 01 02, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रम संख्या इससे पहले से ही डाल देंगे, इसमें कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं, क्रम संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यह क्रम संख्या आप यहाँ डाल देंगे, ठीक है। इसमें 10 कॉलम होगा, इसमें आप याद रहे 10 कॉलम दिया होगा, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रपत्र में टोटल 10 कॉलम आपको भरने हैं और 10 कॉलम को भरना आपको सीख लेना है। तो क्रम संख्या 1,
मानते हैं आप सर्वे करने जाते हैं और प्रथम घर घरे जो प्रथम घर होगा, जो पहला घर होगा वहाँ आप पहुँचते हैं, तो वहाँ सबसे पहले आप भवन संख्या अंकित करेंगे, ठीक है, देख लेंगे वह छत वाला है कि वह क्या है, छत वाला नहीं है, वो तो बाद का बात है, लेकिन आपको भवन संख्या अंकित करना है। प्रथम घर में गए, आपने भवन संख्या क्या किया, 001 अंकित कर दिया, एक नंबर भवन। तो उस भवन में आप पता कर लेंगे, पूछ लेंगे कि कितने परिवार के लोग उसमें रहते हैं, कितना चूल्हा जलता है, भोजपुरी में समझ कई को चूल्हा जलता है, कितने भाई परिवार उसमें रहते हैं। अगर हो सकता है उन लोगों ने बताया नहीं, इस भवन में हम लोग एक ही परिवार के सदस्य रहते हैं, इसमें कोई अलग अलग नहीं रहता है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ मकान संख्या भी 001 डालेंगे। आज समझ में, इस भवन संख्या एक डाल दिए, उसमें अगर एक ही परिवार के लोग रहते हैं तो 001 डाल दिए। इसके बाद यहाँ आएंगे, जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है, वह मकान किस उद्देश्य के लिए है, दुकान है कि घर है कि आवासीय है, क्या है। तो जब परिवार के लोग रहते हैं तो आवासीय होगा, तो यहाँ आप आवासीय क्या करेंगे, भर देंगे आवासीय। फिर परिवार का संख्या उसी भवन में उन मुखिया से पूछ लेंगे, परिवार के लोगों से पूछेंगे कि टोटल कै गो उसमें लोग हैं, परिवार का संख्या या परिवार संख्या डालना, या परिवार संख्या डालने के बाद कई गो परिवार है, एक गो परिवार की, दो गो परिवार की, तीन गो परिवार, जैसे कई भाई के मैंने भाई परिवार लोग, तो यहाँ जब मकान संख्या एक गो है तो परिवार संख्या भी क्या होगा, एक होगा, ठीक है। तो यहाँ परिवार संख्या आप क्या करेंगे, 01 डालेंगे, ठीक है। परिवार के मुखिया का नाम अगर मानते हैं महेश है, तो हम क्या करेंगे, इसमें महेश डाल देंगे, ठीक है। इस परिवार में कुल सदस्य की संख्या कई गो, इस परिवार में कई गो मेंबर हैं, दादा दादी चाचा चाची फूफा फूफी सब मिला करके कई गो है, मानते हैं 5 गो है चाहे 6 गो है, तो हम क्या करेंगे, 06 में डाल देंगे। परिवार का क्रम संख्या देखिए, अब यहाँ एक समझने वाली बात है, क्रम संख्या क्या भरना है आपको, जैसे अगर मानते हैं यहाँ तो परिवार में एक एक गो, इस भवन में एक एक गो परिवार है, तो कोई क्रम संख्या की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मानते उसी में क्या होता है, एक चाचा अलग रहते हैं, बड़े पापा अलग रहते हैं, हमारे पापा अलग रहते हैं, 3 गो अगर सदस्य हो जाता है तो मकान संख्या अलग अलग हो जाएगा, तो यहाँ परिवार का क्रम संख्या भी क्या होगा, अलग अलग हो गया, यानी बड़े पापा एक क्रम पे आ गए, फिर उससे छोटे जो हैं 2 क्रम पे आ गए, और उससे जो तीसरे नंबर पे हैं वो 3 क्रम पे आ गए, ठीक है। तो इसमें अगर एक ही परिवार के लोग रहते हैं तो यहाँ क्या होगा, परिवार का क्रम एक होगा, 001 होगा, ठीक है। और आगे आपको भरेंगे तो समझ में आएगा, दौरे की तारीख, जिस दिन आप जाएंगे सर्वे करने के लिए उस तारीख को डालेंगे। मानते मैंने 10 जनवरी को मैं गया, 10 जनवरी 2023 हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे, ठीक है। और सब कुछ भरने के बाद उस परिवार के जो मुखिया होंगे उनसे आप साइन करा लेंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ पे साइन कर देंगे, कंप्लीट हो गया। तो प्रथम घर आपने कंप्लीट कर लिया, फिर दूसरे घर में जाइए, दूसरे घर में गए तो वहाँ भवन संख्या पहले एक भरे थे, अब इसमें क्या भरेंगे, भवन संख्या 2 भरेंगे। 2 भरने के बाद जब दूसरे भवन में गए, हो सकता है दूसरे भवन में जाने के बाद 2 परिवार के लोग रहते हैं तो मकान संख्या अलग अलग हो जाएगा। जब 2 गो परिवार है तो क्या होगा, 0012 होगा, तो यहीं पर 002 भरना है, और नीचे 00 क्या करना है, 3 भरना है, 003 नीचे आ जाएगा, और यह क्या होगा, भवन नंबर वहीं होगा। फिर से देखिए, यहाँ भवन संख्या 2 है, ठीक है, इसमें 2 गो परिवार के लोग रह रहे हैं, 2 गो परिवार के लोग रह रहे हैं, तो एक गो मकान संख्या 2 हो गया, एक गो मकान संख्या क्या हो गया, 3 हो गया, 002 003 हो गया। तो यह दोनों मकान किस लिए, आवासीय है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, आवासीय है। परिवार संख्या, परिवार संख्या, तो इसमें ये जो भवन था, आप देखिए भवन था 2, इसमें कई गो परिवार रह रहे हैं, 2 गो, यानी 2 नंबर मकान और 3 नंबर मकान, तो यह प्रथम के लिए परिवार संख्या एक ही होगा, ये परिवार संख्या भी बदलता नहीं है, एक ही परिवार संख्या होगा, ठीक है, एक तो यहाँ एक ही भर आएगा, क्यों, क्योंकि आपने इसको 2 जगह आपने लिख दिया है, 2 जगह लिख दिया, यानी यह भवन संख्या 2 में 2 गो परिवार है, एगो यह परिवार, एगो यह परिवार, ठीक है, ये 2 भर दिए, समझ में आया। अब इनके जो मुखिया हैं उनका नाम मानते हैं राकेश है, तो आप राकेश भर दिए, ठीक है। इसके मुखिया सुरेश है, तो आप क्या करेंगे, सुरेश भर देंगे, ठीक है। फिर जाते हैं तो पूछ लेंगे कि आप ये जो प्रथम परिवार है, ठीक है, प्रथम मकान जो 02 है, उसमें कई गो सदस्य हैं, तो कहेगा नहीं इसमें 5 सदस्य है, तो 5 सदस्य भरेंगे। परिवार जो मकान संख्या 3 है, इसमें कई गो सदस्य है, कहेगा 8 हुआ, तो हम 8 गो भर देंगे।
ठीक है। और परिवार का क्रम, अब देखिए यही क्रम समझना है, तो इसमें देखिए एक एक बड़े भाई होंगे, एक छोटे भाई होंगे। बड़े भाई को आप क्या करेंगे, 001 कर दीजिए और छोटे भाई को 002 कर दीजिए, क्रम संख्या एक और दो हो गया, ठीक है। क्रम संख्या एक पे चले गए और दो पे चले गए। इसके बाद दौरे के तारीख, तारीख वही सेम होगा या अलग भी तारीख हो सकता है, यहाँ से साइन करा लीजिए, राकेश हो गया, यहाँ सुरेश साइन कर दिए, साइन करा लेंगे। आ समझ में? अब देखिए फिर से एक और भरते हैं तो ज़्यादा समझ। भवन संख्या, मानते आपने तीसरा भवन में आप गए, तीसरे भवन में गए, जाने के बाद वहाँ आपको पता चला कि नहीं इस भवन में क्या है, एक ही मकान है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ तीन तक भर दे, 00 क्या होगा, ये 4 होगा। और किस लिए है, तो आवासीय है, आवासीय भरा है। इसमें परिवार संख्या, तो परिवार एक है तो एक परिवार, इसमें परिवार संख्या नहीं बदलता है, सेम होता है, सब एक एक ही आता है, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ अलग कर दिया है, ठीक है। और यहाँ इसके मुखिया हो, उनका नाम लिख दे, मानते हैं थे सोहन है तो सोहन आपने डाल दिया, सोहन डाल दिया। इसमें कई गो परिवार हैं तो कहेगा 5 गो, तो 5 गो आप भर देंगे। अब यहाँ क्रम संख्या, तो एक एक परिवार तो क्रम संख्या एक होगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। और डेट वही डालना है, और यहाँ सोहन से क्या करना है, आपको साइन करा देना है। आए समझ में? और भरते हैं तो ज़्यादा समझ में आए, एक और भरते हैं। मान लो पाँचवें भवन में गए, यानी आपने एक भवन, दो भवन, तीन भवन का सर्वे किया, चौथे भवन में जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, चौथे भवन का 004 यहाँ डालेंगे। जैसे चौथे भवन में जाते हैं तो वहाँ आपको पता चलता है कि नहीं, इसमें तीन परिवार के सदस्य रह रहे हैं, तीन को मकान है, तो क्या करेंगे, 00 यहाँ 4 हो गया तो 5, 006 और 007 भरेंगे, यहाँ डॉट डॉट ऐसे कर देंगे, ठीक है, तीन परिवार के सदस्य हैं। यह क्या है, आवासीय है, तो तीनों आवासीय होगा। यहाँ परिवार संख्या सेम रहता है, ठीक है, यहाँ सबका, उसके मुखिया होंगे, उनका साइन कराएंगे, जैसे रोहन, सोहन, मोहन, रोहन, एगो सोहन हो गया, एगो मोहन हो गया, मुखिया जो होंगे उनका नाम लिखे। अब पूछ लेंगे कि रोहन के परिवार में कई गो लोग हैं, तो कहेगा 3 गो, सोहन के परिवार में कई गो है तो 7 गो, मोहन के परिवार में कई गो है तो 9 गो, तो 9 गो मैं लिख दूंगा। परिवार का क्रम, अब देखिए यही परिवार का क्रम आपको लिखना है, तो यहाँ देख लेंगे यह एक ही भवन में तीन गो मकान है, मतलब तीनों भाई लोग होंगे, तो इसमें देखिए कौन बड़का भाई है, कौन छोटका भाई है, ठीक है, तो बड़का भाई को पहले लिख दिए, छोटका भाई इसको भाई लिख दिए, तो प्रथम वाले को आप क्रम संख्या 1 पर रहते हैं, दूसरा क्रम संख्या 2 पर में रहते हैं, तीसरा क्रम संख्या 3 रहते हैं, बड़का छोटका भाई लोग को हमने दर्शा दिया। दौरे की तारीख सेम वहीं रहेगा, या दूसरे दिन आप गए तो हो सकता है आप तारीख चेंज कर देंगे। और यहाँ क्या करेंगे, रोहन जिसे साइन करवाइए, यहाँ सोहन से साइन करवाइए, और यहाँ मोहन से साइन करवा लीजिए। आए समझ में? तो ऐसे आपको भरना है। एक और मैं भर के आपको दिखाता हूँ। मानते आप क्या कि 4 भवन का सर्वे कर लिए, आप 5वें भवन में जाते हैं, 5वें भवन में मैं गया और 5वें भवन का हमको सर्वे करना है, तो 5वें भवन में जाने के बाद आपको पता चल रहा है कि नहीं इसमें 3 गो मकान है, तो 3 गो मकान, तो हम क्या करेंगे, 00 क्या होगा, 7 तक है तो 8 होगा, 009 होगा, 0010 होगा, यानी 1010 होगा, 00 नहीं करेंगे, 10 हो गया। अब देखिए यह तो 5 ही है तो 5 ही रहेगा, आवासीय है तो इसमें आवासीय कर देंगे, ठीक है, और सब में 1 भरना है, इसमें क्या करना है, सब में 1 भरना है। अब आपको एक कन्फ्यूजन होता है कि जब 1 ही भरना है तो भरने की जरूरत क्या है। देखिए कभी कभी क्या होता है, आपके पास कॉलम घट जाएगा, हो सकता है कि प्रपत्र आपने लिया, प्रपत्र लेने के बाद इसमें कॉलम कम हो गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो मैंने तीन जगह लिखा आप कोमा दे के भर देंगे, 008 कोमा 009 0010 कोमा देके भर देंगे, जब कोमा देके भरेंगे तो यहाँ क्या होगा, परिवार क्रम संख्या 3 हो जाएगा, क्योंकि यही तीनों एक जगह आ गया, इसलिए अलग अलग हो रहा है। अगर कॉलम कम होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ 3 भरेंगे, ठीक है, यहाँ तीनों आदमी का नाम लिखेंगे, ठीक है, तब टोटल लिखना पड़ेगा, टोटल करके करना होगा, यहाँ तीनों के, अब यहाँ तो अलग अलग हमने भरा है, तो प्रथम परिवार के मुखिया का नाम लिख देंगे, राम लिख दीजिए, दूसरे श्याम हो सकता है और रोहित हो सकता है, ऐसे हो गया। अब इनसे पूछिए, राम आपके परिवार में कई गो सदस्य है, तो कहेगा 2 गो, श्याम के परिवार में 3 गो सदस्य है, मोहन के परिवार में 8 गो सदस्य हो सकता है। अब क्रम संख्या, इसमें बड़का छोटका भाई होगा,
बड़के भाई को वन कर दीजिए, फिर दो कर दीजिए, एक क्या करेंगे तीन करेंगे और डेट डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ सबसे क्या करेंगे, साइन करा लेंगे श्याम और ये क्या हो गया रोहन। इस तरह आप प्रपत्र को भर करके कंप्लीट कर लेंगे और यही प्रपत्र आपको क्या करना है, जमा करना है। तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, उस कमेंट का स्वागत होगा और मैं उसका निराकरण कर दूंगा, उसका समाधान कर दूंगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, आपको जनगणना में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपको कॉल सपोर्ट भी दूंगा, जनगणना के समय कॉल सपोर्ट भी आपको मिलेगा और हर जगह आपको हेल्प किया जाएगा, कहीं दिक्कत ना हो। यानी प्रपत्र भरने से लेकर के नजरी नक्शा बनाने तक सारा समस्याओं का समाधान इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।